आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। और पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी बेसिक्स चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो पेरीसाइक्लिक वर्ड है वो लिया गया है पेरी और काइक्लोज है, और दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है कि एट द पेरीफ्री ऑफ द रिंग। मीन्स जो भी रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी, जो भी अपने पास में रिंग है उसकी पेरीफ्री पे होंगी, ठीक है। जैसे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो वो पेरीफ्री पे बने हुए होते हैं, तो वो पेरीफ्री पे ही क्या होगी, रिएक्शन होगी। उसके बाद में ये रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेट होती है, कंसंट्रेट मैकेनिज्म होती है इसकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेट का मीनिंग है कि मान लो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है ये दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम होते हैं, एट द सेम टाइम, ओके। इसलिए क्या कहते हैं कि ये जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती है वो कैसी होगी, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होगी। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है। रिएक्शन के दौरान कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इंटरमीडिएट का मतलब जैसे कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कार्ब एनाइन है, इसके अलावा क्या आते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया, तो ये सब जो इंटरमीडिएट्स हैं इनका फॉर्मेशन इसके अंदर पेरीसाइक्लिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर कोई भी जो रिएजेंट अपन लेते हैं तो इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिएजेंट, ठीक है। मीन्स रिएजेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट इन रिएक्शंस के अंदर नहीं होती है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, या तो हीट या लाइट चाहिए होती है, कोई रिएजेंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो हीट का जो साइन होता है अपन इस तरीके से बनाएंगे, और लाइट का साइन क्या लिखेंगे, HU, ओके। अब देखो, अपन जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए कि ये थ्री टाइप की होती हैं। पहली है इलेक्ट्रो साइक्लिक, सेकंड है साइक्लोएडिशन, और थर्ड जो रिएक्शन है वो है सिग्मा ट्रॉपिक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पहली जो रिएक्शन है वो अपनी कौन सी है, इलेक्ट्रो साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है ये दोनों ही कंडीशन के अंदर हो सकती है, थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन, सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर, और क्या होता है इसमें, साइक्लाइजेशन होता है।
तो इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होता है, मींस एक ही कोई मॉलिक्यूल होगा आपके पास में और उसी का क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है। और इसमें अपन जो रिएक्टेंट यूज में लेते हैं वो है अपना पोलीइन यूज में लेते हैं। जैसे तो आप क्या करोगे, सिर्फ पोलीइन इसके अंदर ले सकते हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन ने ली 1,3-ब्यूटाडाइन, एक रिएक्टेंट लिया, इसकी अपन रिएक्शन करवा सकते हैं थर्मल और फोटोकेमिकल दोनों ही कंडीशन के अंदर। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, बॉन्ड का मोमेंट करेंगे, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ और ये वाला यहाँ, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये वाला पाई, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर आएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए रिएक्टेंट के अंदर आपके पास में कितने पाई बॉन्ड मिल रहे हैं आपको, 2 पाई बॉन्ड है, जबकि प्रोडक्ट के अंदर देखिए 1 पाई बॉन्ड है प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड आपको मिल रहा है। तो क्या थी, पहले ये ओपन था और जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवाई तो ये क्या हो गया, इसका साइक्लाइजेशन हो गया और एक रिंग अपने को मिल गई। तो अपन क्या लिख सकते हैं आगे, प्लस रिंग अपने को मिलती है यहाँ पे। सेकेंड चीज क्या है, ये थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा। और इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन मीन्स, इंट्रा मोलिकुलर मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ये है अपना 1,3,5 हेक्सा ट्राई इन, ठीक है, 1 और 3 और 5 पोजीशन पे इन है। जब इसका आप साइक्लाइजेशन करवाओगे थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर, तो देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। जैसे आप इसका साइक्लाइजेशन करवाओगे तो देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो गए और यहाँ पे क्या बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने थे, पाई बॉन्ड 3 थे, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, इसके अलावा 1 सिग्मा बॉन्ड है। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल था उसका क्या हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन हो गया, तो एक अपने पास में क्या है, यहाँ पे रिंग बन रही है, ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड 3 थे, मीन्स एन पाई बॉन्ड होते हैं इधर, तो इधर कितने होंगे, एन पाई में से 1 जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके अलावा अपने को यहाँ पे मिलेगी रिंग, ओके।